क्या ज़्यादा उम्र की महिला सेक्स में इंटरेस्ट रखती है? क्या उनको सेक्स में इंटरेस्ट लगता है, या जैसी उम्र बढ़ती है वैसा उनको इंटरेस्ट नहीं लगता है? इसके बारे में मैं बात करूँगा। इसके बारे में काफ़ी सवाल आते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि जैसी शादी होती है तो डेफिनेटली साल भर तो मज़ा रहती है, सब अच्छे दिन जाते रहते हैं, हनीमून है, घूमना फिरना। उतने में यदि जल्दी कर दिया, जल्दबाजी कर लिया और बच्चा हो गया, तो औरत बच्चे में गुम हो जाती, और बच्चों का फिर खाना पीना सब, लेटरिन बाथरूम उसके करना, उसमें सब वो बच्चा बड़ा करने में लग जाती है, और फिर नेचुरली वो समय ऐसा होता है कि उसका सेक्स में ख्याल इतना रहता नहीं है। फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है और दूसरा बच्चा हो गया, तो फिर और दूसरे बच्चे में फिर बिजी। क्या होता है कि 30-35 ये उम्र ऐसी होती है कि ये उम्र में एक करियर बनाना भी चाहिए, ऐसा लगता है कि अच्छा करियर होना चाहिए, बहुत अच्छा करियर मैंने करना चाहिए, या कोई सर्विस है तो वहाँ प्रमोशन लेना चाहिए, या प्रोफेशनल है तो वहाँ अपना नाम होना चाहिए, ऐसा लगता है। तो फिर उसमें धूमधाम करने लगती है कि भाई नहीं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, अपने प्रोफेशन में पार्टिसिपेट करो, बस CMEs अटेंड करो, लोगों को मिलो, मतलब ऐसा है कि भाई जितना आप सोशल होंगे उतना नाम होगा, तो ऐसा लगता है। और 40-42 की उम्र जब होती है तो नेचुरली थोड़ी सी वो फ्री होना शुरू हो जाती है। 45 की उम्र में उसकी MC खत्म हो सकती है, बंद हो जाती है। मगर अभी ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में वो महिला काफ़ी सारी फ्री हो जाती है कि भाई अभी बच्चे बड़े हो गए, उनको ख्याल देना नहीं पड़ता है, और अभी उसकी इच्छा जग जाती है और वो फिर वो डिमांड कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक बार MC बंद हो गई, महामारी बंद हो गई, मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया, तो अभी इसके बाद में औरत की इच्छा नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। या कोई कारण से गर्भाशय निकालना पड़ा, यूटेरस निकालना पड़ा, गर्भपिशवी, तो वहाँ से फिर इच्छा निकल जाएंगी, ऐसा भी नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि 40-45 साल में बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर टाइम फ्री मिलता है, मगर हस्बैंड अभी बहुत बिजी हो गया है, वो अपना करियर बनाने में है, बिजनेस बड़ा करने में है, वो स्ट्रेस टेंशन में है, उस समय झगड़े भी बढ़ सकते हैं, और यदि झगड़े चालू हो गए तो फिर सेक्स का इंटरेस्ट निकल जाता है। और नहीं तो फिर 40-45 साल की उम्र में एक्चुअली औरतों को ज़्यादा सेक्स होता है, उनकी डिमांड ज़्यादा होती रहती है, उनको लगता है कि अभी मैंने हस्बैंड के इंटीमेट आना चाहिए, क्योंकि अभी तक टाइम ही नहीं मिला इंटीमेट आने को। अभी पुरुषों का यह काम है कि इस समय उन्होंने भी अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए, और ये पूरा उल्टा होता है करियर यदि बनाने का है तो, मगर टाइम देना जरूरी है। तो कोई भी लेडी यदि 45 साल की, 50 साल की उम्र में है, तो उसमें गिल्टी नहीं फील करना चाहिए कि नहीं मुझे इच्छा हो रही है मगर अभी हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड बाहर गाँव है, टूरिंग में है, इच्छा तो बहुत होती है, तो वो हस्तमैथुन भी कर सकते हैं, मास्टरबेशन भी कर सकती है, सेल्फ सेटिस्फाई खुद को कर सकती है। और उसके लिए जैसा मैंने बताया पहले कि क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करो, वजायना में कोई सेक्स टॉयज डालो, वाइब्रेटर डालो, जी स्पॉट स्टिम्युलेट करो, और आप जितना चाहे उतने बार हस्तमैथुन अर्थात मास्टरबेशन कर सकती है, और अपने आप को खुश कर सकती है, शांत कर सकती है, और जो एक्साइटमेंट है उसको डाउन कर सकती है। और हस्बैंड को यदि उस समय कुछ प्रॉब्लम है, दूर है, स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई बीमारी है, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, उसने दवाई लेना चाहिए। यदि ऐसा लगता है कि नहीं साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, तो दवाई लेना चाहिए, और दवाई लेके उसने उसमें सफलता पानी है, अच्छा सेक्स करना है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसकी दवा लो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है उसकी दवा लो। तो आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करो और सेक्स जीवन का आनंद लो, इसमें उम्र का कुछ भी तकादा हो नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई नहीं अभी उम्र हो गई है, शोभा देता नहीं है, अच्छा लगता नहीं है, यह सब डायलॉग बंद करो। आपकी उम्र कितनी भी रही तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने अभी उनके 58 साल की उम्र में उनकी बीबी गुजर गई, तो उनने दूसरी शादी किया, हालांकि उनके जो बेटा बेटी थे उन्होंने बहुत विरोध किया, मगर बोले कि भाई उन्होंने सीधा बोला कि भाई मुझे सेक्सुअल इच्छा हो रही है, क्या मैं बाहर जाऊँ, वेश्या के पास में जाऊँ, और मुझे अभी ग्रोइंग ओल्ड है, मतलब उम्र बढ़ते जा रही है, तो मुझे कोई ना कोई सहारा होना, आप आपके काम में बिजी है, मतलब बच्चे बच्चों के काम में बिजी है, तो मैं अकेला क्या करूँ। तो बच्चों के खिलाफ उन्होंने शादी किया, और उनका जो सेक्सुअल लाइफ था वो एंजॉय कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली करेंगे क्या, उम्र के कोई भी साल तक आप सेक्स कर सकते हैं,
मरे तक सेक्स कर सकते हैं, मरने तक, मतलब कोई भी उम्र तक। ऐसा नहीं है कि भाई अभी उम्र बढ़ गई तो सेक्स होगा नहीं। तो जो जो लोग ऐसे ज़्यादा उम्र के हैं उनको जो गिल्टी लगता है या उनको लगता है कि नहीं अभी हम काम के नहीं रहे, अभी तो सेक्स कम होने वाला ही है, अभी क्या मतलब नहीं है, तो सभी एजेड लोगों को ये वीडियो आप शेयर करो ताकि वो अपना लाइफ, सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करेंगे। या दोनों में से एक को एंजॉय करना और एक नहीं कर रहा है तो उसको बताओ ताकि वो एंजॉय करेगा आपका लाइफ, दोनों भी आपका लाइफ, अपना लाइफ एंजॉय करें। दोनों को यदि फ्री टाइम है 60 की उम्र के बाद में और दोनों फ्री है, बच्चे बड़े हो गए दूर चले गए तो वो भी एंजॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।